पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, आप तो ज्वाइन हो गए, बट अब आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहे हो। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके पास लोग ही नहीं है कि वो आपके साथ ज्वाइन करें। जी हाँ, कुछ यही दिक्कत आपको आ रही होगी लीड जनरेट करने में कि आपके पास लोग नहीं होंगे जिनको आप ज्वाइन करा पाओगे। मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो पे कि आपको लीड जनरेट कैसे करनी है डेली बेस। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो तरीके लीड जनरेट के। प्लीज यार कह रहा हूँ मैं, इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप एक लर्नर हो और आप सीखना चाहते हो और आप अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, ये मेरा है डे 3 जहाँ मैं सिखाने लग रहा हूँ कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है मैं डे 3 किस चीज का है, तो मैं सिखा रहा हूँ 30 डेज अर्निंग चैलेंज, जहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एकदम जीरो टू हीरो बन सकते हो। लीड जनरेट करने के होते हैं दो तरीके। फर्स्ट तरीका होता है इनऑर्गेनिक मेथड एंड सेकंड होता है ऑर्गेनिक मेथड। आज की दुनिया में जो लोग कहते हैं कि सर मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, मेरे पास नंबर नहीं है, मैं कोर्स को सेल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आज के दिन वो इनऑर्गेनिक मेथड पे बिलीव करता है। क्योंकि जो बंदा ऑर्गेनिक मेथड पे काम कर रहा है वो मेरी तरह वीडियोस बना रहा होगा, क्योंकि मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, लोग मेरे पास आते हैं बिकॉज मैं ऑर्गेनिक तरीके से काम करता हूँ। फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक मेथड। इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके लीड जनरेट कर सकते हो और थोड़ा बहुत आप फ्री में भी लीड जनरेट कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल FB एड्स, इंस्टा एड्स, प्रमोशन एंड DM मार्केटिंग। फेसबुक एड का मतलब पता है कि आपको अपना फेसबुक एड रन करना पड़ेगा, जहां पर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और वहां पर लोग आपका वीडियो देखेंगे, एड देखेंगे, जो कि आपको मैसेज करेंगे। और सेम चीज होती है इंस्टाग्राम के अंदर। और इंस्टाग्राम पर अगर आपका अकाउंट होगा, अगर आपके फॉलोअर्स नहीं भी होंगे, फिर भी आप थोड़ा बहुत स्टोरीज प्रमोट करवा सकते हो या फिर आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशन करवा सकते हो। बट हाँ, याद रखना कि जिससे आप इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करा रहे हो वो इन्फ्लुएंसर थोड़ा बहुत आपके कैटेगरी का होना चाहिए, तभी आपको अच्छे लीड जनरेट हो पाएंगे। अब ये मत करना कि आपको लीड चाहिए पैसे कमाने वाली, प्रमोशन करा रहे हो नाचने वाले से। इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराने से पहले उसकी आप रीच वगैरह चेक कर लेना प्रॉपर वे से, और इसके कंटेंट थोड़ा वैल्यूएबल होना चाहिए एंड क्वालिटी एड होना चाहिए। एंड लास्ट आपकी DM मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम पर लोगों को मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे लोग आपके व्हाट्सएप में भी ऐड होंगे, आपके फेसबुक में भी ऐड होंगे, जिनको आप पर्सनली जाके मैसेज कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि आपको पैसे कमाने हैं नहीं कमाने हैं, वहां से आप बहुत सारे लीड को जनरेट कर सकते हो। एंड अब आता है आपका ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड में आपको बताया कि सारा कुछ आपको कंटेंट ही करके देगा, मतलब जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतनी अच्छी आपके पास लीड्स आएंगे। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम की रील्स क्रिएट करना स्टार्ट करनी है। और अगर आप लोग एक गर्ल्स हैं, अगर आप फेस रिवील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विदाउट फेस भी इंस्टाग्राम पर रील्स क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि बहुत सारी रील्स मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ विदाउट फेस भी अपने। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे अकाउंट पर जाना है जो कि मेरा नाम है मिस्टर Issue04, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो वहां पर मेरी इस टाइप की रील्स दिखेंगी जहां पर मैंने ओवरवाइज भी रील्स बनाई हुई है। ऐसी रील्स भी आप क्रिएट कर सकते हो अगर अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो। बट अगर आप लोग अपना फेस को रिवील कर सकते हो, अगर आप गर्ल्स या फिर बॉयज है, आप लोग मेरे तरह कंटेंट को क्रिएट करो जहां पर मैं वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करता हूं, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करता हूं, जहां पर मेरे पास अच्छी खासी ऑर्गेनिक लीड्स आती है। सबसे इजी आपके लिए वो रहेगा कि जिस भी कैटेगरी का वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, उन कैटेगरी के आप 4-5 क्रिएटर को फॉलो कर लो, और जैसे वो लोग रील्स को क्रिएट कर वैसे ही आप लोग रील क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। एंड उसके बाद सेम रील्स आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर सकते हो। बट याद रखना, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर रहे हो तो वहां कहीं साइड पे अपना आप नंबर जरूर वहां पर शो कर देना, बिकॉज अगर यूट्यूब पर शॉर्ट्स पे क्या होता है, वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको मैसेज वगैरह कर पाएंगे, कमेंट वगैरह कर पाएंगे, आपको वो लीड जनरेट नहीं हो पाएंगे। आप लोग वहां पर अपना कहीं वीडियो वगैरह के बीच में अपना नंबर वहां पर जरूर शो कर देना। तो यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी आप कुछ वीडियोस क्रिएट करो, यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, कि मैं करने लग रहा हूँ। एंड इसमें आपका बेस्ट होता है रेफरेंस मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिलीज होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मली मेरे तरह वीडियो बनाओ, सो हाय गाइस मैं इशू और मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हो, प्रॉपर अपना कैसे शॉर्ट वीडियो बनाओ, ठीक है। उसके बाद आपका एक फॉर्म तो हो गई, आप प्रॉपर एक फॉर्म दे दो, ठीक है। तो किसी अपने फ्रेंड को या फैमिली को बोल दो कि प्लीज ये मेरा एक वीडियो है, ये मेरा एक फॉर्म है, इस वीडियो को, इस फॉर्म को अपने ग्रुप में शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे लगा दो, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर दो। उससे क्या होगा, आपका बंदा वो वीडियो देखेगा, शॉर्ट वीडियो, उसके बाद आप बोल देना नीचे एक फॉर्म होगा, आपने को फॉर्म दिया हो किसी ने, उस फॉर्म को फिलअप कर दो प्रॉपर वैसे, यार उस फॉर्म को फिलअप करवा लेना, भले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करवा लेना, कुछ भी करवा के ऐसे आप रेफरेंस मार्केटिंग बहुत बेस्ट कर सकते हो यार। और यहाँ से जो आपको लीड आती है ना यार, वो एक ऑर्गेनिक लीड आती है। वहीं पर आप इनऑर्गेनिक लीड पर जाओगे ना, तो आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, आपको लोगों को मैसेज करने पड़ेंगे, लोग पूछेंगे भाई कौन हो, क्या करते हो, कैसे बिलीव करो, तो बहुत सारा है ना वहाँ पर बवाल होता है। बट अगर आप लोग ऑर्गेनिक पे जाओगे ना, तो सच बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म तक काम करोगे, अच्छी अर्निंग कंटिन्यू करोगे और अच्छी आप ग्रोथ भी ले पाओगे, पर्सनल ब्रांडिंग भी कर पाओगे। इसके अलावा मेरी एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है जहां पर मैंने बताया हुआ है रील्स कैसे क्रिएट करते हैं,
कैसे वायरल करते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको मेरे चैनल पे जाना है और यहाँ पर देखना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा और यहाँ पर आपको इस वाली प्लेलिस्ट को ना फुल वॉच कर लेना है और इस वाली को भी कर लेना है। इससे क्या होगा, देखो यार, जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ यार, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज बिना सीखे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो बाकी यही था डे थ्री में। डे फोर में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इनवाइट कैसे करना है, आपके पास लीड्स तो आ जाए, लोगों को आप इनवाइट कैसे करोगे, आप लोगों से बात क्या करोगे, तो वही बताने वाला हूँ डे फोर के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने प्लेलिस्ट मिस कर दी है, अगर आप इसको नहीं देख रहे हो सीरियस भाई, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, तो आप लोग जरूर वॉच करना। और डे फोर भी आने वाला है, डे फाइव भी आने वाला है, बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। मिलता हूँ डे फोर में, तब तक के लिए बाय बाय।